नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नाक का पानी गले के अंदर आ जाना या फिर गले में कफ बहुत ज्यादा बनना, इसको हम आज अच्छे से समझेंगे। अगर आपको भी कफ बहुत ज्यादा बनता है या फिर नाक का पानी आपके गले के अंदर जाता रहता है तो आज के इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर जानकारी थोड़ी सी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा श्वसन तंत्र जो होता है, हमारे नाक के जो आसपास का एरिया होता है, जैसे कि सिर हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, ये सब चीजें हमारे एक दूसरे से नसें जुड़ी रहती है, जिसके कारण अगर किसी एक में भी संक्रमण होता है तो हमें ऊपर के पूरे एरिया के अंदर वो फील होता है। जैसे अगर आपका नाक का पानी या सर्दी जुकाम बार बार होता है तो आपका जैसे कि नाक के पानी को आप कई बार ऊपर की तरफ खींचते हैं, जो कि सिर के अंदर जा सकता है, गले के अंदर जा सकता है, कान के अंदर जा सकता है या फिर आपके फेस की इस एरिया के अंदर वो इकट्ठा हो सकता है और धीरे धीरे वह कप बन सकता है। जैसे अगर वह नाक का पानी गले के अंदर जाता है तो सबसे पहले कप प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, कफ जमना शुरू हो जाएगा, बार बार आप खांसी के साथ कफ निकलने लग जाएगा या फिर गले का संक्रमण होने लग जाएगा, भूख ज्यादा बनने लग जाएगा। इसी तरह से अगर आपके नाक का पानी थोड़ा सा भी सिर के अंदर चला जाता है तो आप देखते होंगे कि कई बार सिर भारी लगता है। अगर आप गर्दन को भी घुमाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कि सिर पूरी तरह से हिलाने पर दर्द महसूस होता है, पानी होता है वो सिर की तरफ चढ़ने से इस तरह से भारीपन लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जो नाक का पानी होता है वो कान के आसपास चला जाता है, जिसके कारण कान के अंदर दर्द होने लगता है, कान के आसपास के एरिया में सूजन आने लगती है या फिर कुछ गठान जैसा लगने लगता है या फिर आप कुछ निगलते हैं उस टाइम पे कोई दिक्कत होती है, तो इस तरह की समस्या होने लगती है। क्योंकि नाक का पानी बिल्कुल रह करके जैसे नाक के पास एरिया के अंदर जमा हो जाता है तो वह साइनस की समस्या बन जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार कफ यहाँ पर होने के कारण सूजन आने लगती है, अगर आप यहाँ पर इस तरह से उंगली से टच करते हैं तो दर्द महसूस होता है, पूरा फेस भी भारीपन लगेगा, तो इस तरह की समस्या होने लगती है। इसीलिए सबसे पहले नाक के पानी को या फिर कभी भी आपको कफ बहुत ज्यादा बनता है तो उसे ऊपर की तरफ या इस तरह से खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं पर भी इकट्ठा हो सकता है। अब बात करते हैं कि नाक का पानी पतला भी हो सकता है और गाढ़ा भी हो सकता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो सोते समय उनकी नाक बहने लगती है, उठते समय नाक बहने लगती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की नाक हमेशा ही बहती रहती है, यानी कि उनको इस प्रकार की एलर्जी होती है कि नाक में से पानी निकलता रहता है। अब ये बात तो कोई भी इसे मुखर नहीं सकता कि जब भी आप नाक को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते हो या फिर खकार बढ़ते हो तो अवश्य ही मुंह के अंदर सबसे ज्यादा जाता है, जिसके कारण आपके गले के अंदर अटकना या फिर किसी भी प्रकार का संक्रमण महसूस होता है। व्यक्ति का ये पूरा पार्ट्स एक ही होता है, अंदर जाकर सब मिला हुआ होता है, जिसके कारण ये संक्रमण उनको लगता है। अगर आपका कफ धीरे धीरे करके अंदर गले में जाता है, फेफड़ों में जाता है या खकार बढ़ने पर वापस मुंह में आ जाता है, इस प्रकार की समस्या अगर आपको बनती है तो सबसे पहले आप इस वीडियो के कारण को जानें, फिर उसके बाद आप उपाय भी करें। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का बचपन में निमोनिया होना, सर्दी जुकाम बिगड़ जाना सबसे बड़ा कारण होता है। और तला हुआ ज्यादा खाने से, मिर्च मसालों का प्रयोग ज्यादा करने से, दूध की बनी हुई वस्तुओं का सेवन ज्यादा करने से, दूध दही या फिर चिकनी चीजों का सेवन अगर आप ज्यादा करते हैं तो इस प्रकार से कफ की प्रवृत्ति जागृत होती है, इसीलिए भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। मेन कारण यह होता है कि अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है और आप उसका इलाज ले रहे हैं, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट जरूर आपके इस पे पड़ता है। हमेशा जिस किसी व्यक्ति को दवाइयों का सेवन करना होता है उस व्यक्ति को आप देख लीजिए किस प्रकार से कोल्ड की शिकायत रहेगी, बार बार गला खराब हो जाएगा या उनके फेफड़ों के संबंधी कोई संक्रमण होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो यह भी सबसे बड़ा कारण माना जाता है। किसी भी कारण से आपको इस प्रकार की समस्या लगती है कि जैसे नाक का पानी पतला है, बह रहा है, गले में आ जाता है, आपको बार बार ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है या फिर कफ बहुत ज्यादा बनता है, तो आज की रेमेडी आप करके देखिए, आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ एक ही उपाय है। आप सोचेंगे कि ये कोई रेमेडी है क्या, इससे कोई फायदा होगा, लेकिन अवश्य ही आपके कफ बनने की जो प्रवृत्ति है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको इस प्रकार की साइनस की समस्या होगी या फिर गले के संक्रमण होंगे या आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है, एलर्जी होती है, उसमें भी आपको आराम आएगा। उपाय बिल्कुल सिंपल है, यानी कि कड़क गर्म पानी एक ग्लास, अगर आप इसका सेवन सही ढंग से करते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों को सही करता है। एक ग्लास गर्म पानी को बिल्कुल मामूली नहीं समझना है, यह आपके शरीर के बीमारियों को खत्म करेगा, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करेगा, इम्यूनिटी को मजबूती देगा और भी बहुत सारी बीमारियों को सही करता है। अब आपको ये गर्म पानी किस तरह से लेना है,
जैसे कि सुबह उठते ही सबसे पहले जिस तरह चाय कितनी बॉईल करते हैं आप, उसी तरह से आपको गर्म पानी को बॉईल करना है। एक ग्लास गर्म पानी आपको अच्छे से कड़क गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद सीप सीप करके आपको आराम से उसे पीने में समय लगाना है और उसे पीना है। सुबह में आपको भूखे पेट इस तरह से गर्म पानी पीना है। दोपहर में भी जब आप लंच वंच कर ले उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो इसी तरह से एक ग्लास गर्म पानी को आपको गर्म करना है और इसी तरह से सीप सीप करके पीना है। रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले जैसे कि कुछ भी नहीं खाना है आपको, तो उस समय भी आप एक ग्लास गर्म पानी करें और इसी तरह से सीप सीप करके पिए। अब आप बोलेंगे कि गर्म पानी से क्या मेरा गला सही हो सकता है, क्या गर्म पानी पीने से मेरा सर्दी जुकाम सही हो सकता है, एलर्जी सही हो सकता है, तो इस उपाय को आप करके देखिए। जैसे हम गर्म पानी को बॉईल करके अच्छे से सीप सीप करके पीते हैं तो हमारे गले के अंदर जो चिकनाहट होती है, गले के अंदर अगर किसी प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं वह उनको बिल्कुल खत्म करता है। यानी कि हमें उस गर्म पानी पीने से हमारे गले के अंदर हीट पैदा करनी है और उस हीट पैदा होने से ही बहुत सारी बीमारियों को आप सही करेंगे। ध्यान रखना है कि पानी को आप एकदम से सीप करके ना पिए। अब इस गर्म पानी को पीने से आप देखेंगे कि आपका पेट पूरी तरह से साफ रहेगा। अगर आपका मोटापा बहुत बढ़ रहा है तो उसमें आपको आराम मिलेगा। अगर आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार के बैक्टीरिया पैदा होते हैं, आपको सर्दी जुकाम बार बार होता है, एलर्जी बहुत ज्यादा रहती है, छींके बहुत ज्यादा आती है, गले में आपको बार बार किसी न किसी प्रकार का संक्रमण होता रहता है कि खराश हो गई है, अटकना लग रहा है, कुछ चुभता रहता है, कुछ जमता रहता है, तो वह उसको बिल्कुल सही करेगा क्योंकि गले की पूरी चिकनाहट को साफ कर देगा, पूरे श्वसन तंत्र को मजबूती मिलेगी और इस तरह से सारी की सारी नलियां अगर साफ हो गई तो आपको कब बनना भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कब बनना बिल्कुल सही होगा तो ना तो कान के पीछे दर्द होगा, ना ही सिर के अंदर कोई समस्या होगी, ना गले में कोई संक्रमण होंगे और ना ही फेफड़ों में कोई संक्रमण होगा। बहुत सारे लोगों को साइनस की समस्या रहती है तो इस गर्म पानी को पीने से वह समस्या भी बिल्कुल सही होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा कफ बनता है, इस प्रकार की समस्या रहती है कि बार बार खकार भरना पड़ता है, बार बार थूकना पड़ता है, बार बार गले के अंदर कफ बनने लगता है, तो इस उपाय को आप करके देखिए। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगती है तो सभी के साथ शेयर करें और नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, एक बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।